हेलो दोस्तों, तो नीट 2025 के लिए मेरा पहला स्टडी वाला वीडियो है। तो हम लोग का टेस्ट सीरीज अब शुरू होने की हो गया है, मतलब होने वाला है 24 को, और 26 को पहला ही बायो का पेपर होगा जिसमें चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बच्चों ने कहा कि रिवाइज करा दीजिए, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं फटाक से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, काफी सारा नोट्स है आपके पास, पीडीएफ है, मैंने एक एक चीज अच्छे से बताया भी है, एनसीईआरटी भी बता दिया है, क्वेश्चन भी लगवा दिया है, डीपीपी बटवा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो कुछ बचा नहीं है, अब जो बचा हुआ है कि एक बार हो सकता है मैं भी भूल गए हूँ आप, तो मैं फिर से उसको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो जो जो ऐसे हैं जिससे जहाँ पे दिक्कत होती है ना, जो प्रॉब्लम वाले टॉपिक है, बस मैंने उसको लिया है क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है और आप सबको आता है। और होप करूंगा कि मैंने 200 क्वेश्चन दिए हैं, 200 क्वेश्चन से सबका 190 मतलब 90-90 करेंगे 180, उसमें से आपका 175 तो सही होना चाहिए। ठीक है ना, तो बहुत मार खाएंगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। और बाकी आपने आपको बताइए कि 2024 का नीट जो रहा काफी विवादों में है, अभी भी है, तो 8 जुलाई को जो भी फैसला आएगा देखा जाएगा। फिलहाल मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं उम्मीद रही नीट वगैरह का। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब शुरू में ही, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ हम कहें तो ब्रीदिंग, तो हम सांस लेते हैं। चलिए देखते हैं, आपको अगर ब्रीद इन करना है, यानी मतलब देखिए दो टर्म्स आएंगे यहाँ पे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो ब्रीदिंग दो टर्म से मिलकर बना है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। और अगर आप सांस को अंदर खींचते हो, इनहेल करते हो, इस प्रोसेस को इंस्पिरेशन कहते हैं, और अगर उसे रिलीज करते हो तो उसे एक्सपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखने वाले हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने के लिए एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या वो क्या क्या स्ट्रक्चर है लंग्स के अंदर, लंग्स का कौन सा पार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सब चीजें देखेंगे हम। ठीक है ना, तो अब देखिए सबसे पहला आपको दिख रहा होगा इंस्पिरेशन। ठीक है ना, आप सब इसको पॉज करके देखते हैं, पढ़ लीजिएगा, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, ऐसे सुन लीजिए ओवरऑल एक व्यू, अगर आपको हवा को अंदर खींचना है, यानी कि कोई भी चीज, अगर हवा की बात करें या फिर कोई भी चीज की बात करें, वो कहां से कहां मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एटमॉस्फेयर में हवा ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, हमें लंग्स में चाहिए, लंग्स में कम है, तो हम क्या करेंगे, उसको खींचेंगे अंदर, और खींचेंगे अंदर तो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि बाहर से हवा अंदर आए, तो या तो बाहर का प्रेशर हाई रहे या तो अंदर का प्रेशर लो रहे, तो बाहर के वातावरण से हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम अपने लंग्स के अंदर प्रेशर को कम कर सकते हैं। और लंग्स के अंदर प्रेशर को कम करने के लिए हमको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम एज इट इज कोई बैरोमीटर लगा करके ऐसा नहीं कर सकते कि हे लंग्स अपना प्रेशर कम कर लो, हम क्या करेंगे वॉल्यूम बढ़ा देंगे। और आपको पता है कि लंग्स हमारा मसल से बिल्कुल बना नहीं होता, टिश्यू से बना हुआ है, तो हमारा वो न्यूरोजेनिक है नहीं कि हम उसे कंट्रोल कर लें, तो उसके लिए उसको थोरैसिक केज में रखा गया है, रिब केज में रखा गया है। तो रिब केज का वॉल्यूम अगर हम बढ़ा देते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। लंग्स का दूसरा नाम होता है पल्मोनरी, तो हम कह सकते हैं अगर लंग्स के अंदर वॉल्यूम के बारे में बात करनी है तो हम कहेंगे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, क्या कहेंगे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। और अगर हमको बात करनी है लंग्स के अंदर प्रेशर की तो हम कहेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ओके, यानी कि अगर आप चाहते हो कि हवा बाहर से अंदर आए तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लो होना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और यहां पे वॉल्यूम उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। अब हम ये देखने वाले हैं कि हमारे लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें आएंगी या फिर क्या क्या चीजें होंगी। तो बाबू दो चीजें होंगी, एक होता है इंटरकॉस्टल मसल। क्या होता है इंटरकॉस्टल मसल, फिर से सुनिएगा, इंटरकॉस्टल मसल आर द मसल्स फाउंड बिटवीन रिब्स, हमारे रिब्स के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, जो अंदर की तरफ है उनको बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और जो बाहर की तरफ है उनको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, और हम अगर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें EICM लगेगा, और अगर हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें IICM काम में आएगा। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। अब होगा क्या, चलिए देखते हैं, ध्यान देखिए, अगर आपको सांस अंदर खींचना है तो सबसे पहले आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम जो कि डोम शेप का है वो सीधा हो जाएगा। ध्यान से देखना इस बात को, यहां पे देखिए ये है आपका, ये आपका पूरा थोरासिक कैविटी है, क्या है ये थोरासिक कैविटी। तो बाबू आपका डायफ्राम ऐसे होगा, मतलब डोम शेप, तो ये मान लीजिए वॉल्यूम है आपका इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। तो आप जब सांस खींचोगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो डायफ्राम है डोम शेप ये सीधा हो जाएगा, और जब डायफ्राम जो कि डोम शेप था वो सीधा हो गया तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आपको पता है जो आपके माउथ के साइड जो भी चीजें हैं उसको एंटीरियर कहते हैं, और जो आपके एनस के साइड पे है नीचे की साइड है पोस्टीरियर कहते हैं। तो हम कहेंगे जब ये लंग्स, जो लंग्स का डायफ्राम है ये जब क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि सीधा हो गया, फ्लैट हो गया, यानी कि एब्डोमिनल एब्डोमिन की तरफ पुल कर दिया गया, तो उस केस में जो वॉल्यूम बढ़ा है वो वॉल्यूम एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा है। कोई दिक्कत किसी को,
ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अब क्या होगा, आपका जो दूसरा मॉडिफिकेशन है, जो दूसरा जो मूवमेंट होगा वो ये होगा कि आपका EICM यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल यानी कि रिब्स के बीच में जो हड्डियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपका लंग्स फूल जाएगा। कैसे फूलेगा ध्यान से देखिएगा, ये बुकलेट है आपको दिख रहा है बाबू, और देखिए ध्यान से, ये हमारा लेटरल साइड में दोनों रिब्स होते हैं, रिब्स के बीच में जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो रिब्स है, रिब्स के बीच में मसल है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ लंग्स आपका फूल जाएगा इस तरह से। देखिए ध्यान से, लंग्स आपका फूल जाएगा, पहले लंग्स में ऐसे था एकदम पतला था, अब मोटा हो गया लंग्स, यानी कि अंदर वॉल्यूम बढ़ गया। अंदर वॉल्यूम बढ़ा बाबू, आगे पेट वाला क्या पोर्शन होता है, वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल, यानी कि इस बार जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ रिब्स में तैसे ही दो लोग ऊपर उठ गए, एक बाबू सॉरी जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ EICM में दो लोग ऊपर उठ गए, एक रिब्स और एक स्टर्नम, और जब रिब्स और स्टर्नम ऊपर उठ जाएंगे लिफ्ट अप रेज्ड अप, तब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दिख रहा है ना सबको। तो लंग्स फूल गया किस एक्सिस में, इस बार डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से फिर से सुनिएगा, जैसे आपने सांस खींचा तैसे ही लंग्स का डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आपका वॉल्यूम बढ़ गया, और जैसे ही आपने सांस खींचा साइमल्टेनियसली EICM कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब EICM कॉन्ट्रैक्ट किया दो लोग ऊपर उठ गए रिब्स और स्टर्नम, जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम जो बढ़ा वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ा, तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो गया बाबू, बढ़ गया। और जब ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया ना बाबू, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया, बाहर से हवा अंदर आ गया, इसको बोलेंगे इंस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन पढ़ लेते हैं, टू इनहेल एयर इनसाइड लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मस्ट बी लो, एक सेकेंड, मस्ट बी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मस्ट बी लो मींस वॉल्यूम शुड बी हाई अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ। बॉयज लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, उसके हिसाब से। टू मेंटेन दिस ग्रेडियंट, ऐसा व्यवस्था करने के लिए क्या होगा बाबू, जो नए बच्चे देख रहे होंगे इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है, पॉज करके इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, टू मेंटेन दिस ग्रेडियंट, ऐसा व्यवस्था करने के लिए दो चीज काम में आएंगी, एक है बाबू इंटरकॉस्टल मसल, ध्यान से देखिए एक कौन है, एक है आपका इंटरकॉस्टल मसल और दूसरा है डायफ्राम। तो बाबू सबसे पहले डायफ्राम में क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ इंस्पिरेशन अकर्स विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यानी कि वो फ्लैट हो जाएगा, ड्यू टू विच इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, यानी कि जैसे ही फ्लैट हो गया वो, स्ट्रेट हो गया वो, एब्डोमेन की तरफ पुल हो गया वो, उस वैसे ही आपका जो थोरैसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ जाएगा। यही नहीं बाबू, EICM भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब EICM कॉन्ट्रैक्ट करेगा दो लोग ऊपर उठ जाएंगे, एक बाबू स्टर्नम और दूसरे रिब्स, और जब ये लोग ऊपर उठ जाएंगे बाबू तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, वो भी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, जिसको लिखना होगा लिख लेगा इसको, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ओके, तो हुआ क्या, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। अब जब प्रेशर, लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव प्रेशर, यानी कि इंस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी है, नेगेटिव प्रेशर जरूरी है, ठीक है ना बाबू, ध्यान देख से सुनेंगे, और एयर अपने आप अंदर आ जाएगा, और इसे बोलेंगे इंस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपिरेशन की, ध्यान से देखिएगा, आपको अगर सांस छोड़ना है यानी कि अंदर को प्रेशर को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और अंदर के प्रेशर को ज्यादा करने के लिए वहां का वॉल्यूम आपको घटाना पड़ेगा, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, कौन कह रहा है, बॉयज लॉ हम नहीं कह रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे बाबू, जो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि पहले डोम शेप था, फिर क्या हुआ फ्लैट हो गया, वापस अगर डोम शेप में आ जाए तो बाबू हम क्या कहेंगे कि वॉल्यूम घट गया है, यानी कि देखिए सबसे पहला क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स, और ये रिलैक्स हो गया, यानी कि फ्लैट से क्या हो गया, अगेन डोम शेप, ठीक है। दूसरा EICM भी क्या होगा, रिलैक्स, ड्यू टू व्हिच रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रिब्स और स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, ओवरऑल वॉल्यूम घट जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, और एयर एक्सपल्सन आउट हो जाएगा, यानी कि एक्सपिरेशन हो जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, जो नहीं लिखेगा जान लो पाप चढ़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो होगा आपका, चलिए दूसरा स्लाइड, यस। तो आपको कैसा लगा बाबू, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन समझ में आया सबको, पक्का समझ में आया होगा, जो जो चीजें मैंने बताई वही क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, इतना ही बहुत है, मोर देन एनसीईआरटी और मोर देन इनफ है ये, एनसीईआरटी से अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं, नीट में तो एकदम नहीं, ठीक है ना बाबू, सब कुछ। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपका क्या है देख लेते हैं, ध्यान से देखना, सारा व्यवस्था किया है मैंने, एकदम बैठ के लिखा हूं इसको, ठीक है ना। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट तो 100% कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस को पढ़ने के लिए ध्यान से देखिए क्या है, क्या क्या मामला क्या है। आपको पता है आपके बॉडी में आपके जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन होता है और CO2 होता है। तो ऑक्सीजन, पहले दो टर्म आते हैं पार्शियल प्रेशर, इसको समझिएगा। मान लो एक भगोना है, एक भगोने में दो गैस है, एक ऑक्सीजन एक CO2। तो बाबू वो ऑक्सीजन मान लेते हैं 4 ATM प्रेशर लगा रहा है और CO2 6 ATM प्रेशर लगा रहा है। तो उस भगोने का टोटल प्रेशर क्या बोलेंगे, 10 ATM बोलेंगे। तो जो अलग अलग वो प्रेशर लगा रहे हैं ना, CO2 6 लगा रहा है, O2 4 लगा रहा है, तो जो 6 और 4 कह रहा हूं इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाई ऑक्सीजन ओनली ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर उसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और जो CO2 लगा रहा है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। याद रखना इस बात को। तो अब देखिए PO2 हम देखने जा रहे हैं, PO2 अपने विभिन्न हिस्सों में, सबसे पहले टेबल एनसीईआरटी ने दिया है, सबसे अच्छे से याद रखना, कैसे याद करना है मैं बता दूंगा अभी। एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर में जो PO2 की वैल्यू है 159 है, mm ऑफ HG इसकी यूनिट है, याद रखना 159। बाबू लंग्स में कितना है 104, डीऑक्सी एसी याद रखने के लिए याद रखना डॉट, याद रखना पूरा टेबल याद करा रहा हूं, देखो कैसे। एटमॉस्फेयर एयर में PO2 कितना होगा 100, सबसे पहले याद करो सीक्वेंस, एटमॉस्फेरिक एयर यानी कि एटमॉस्फेयर में हवा है, फिर कहां आया लंग्स में, पहला एटमॉस्फेयर फिर लंग्स, एटमॉस्फेयर लंग्स, एटमॉस्फेयर लंग्स, दो बक्सा भर गया, दो बक्स, तीन बचा कितना, तीन बॉक्स। इस तीन बॉक्स में डॉट याद रखो, डी फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड टी फॉर टिश्यू। अब देखेंगे ध्यान से, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है कितना है ऑक्सीजन 159, कितना है बाबू 159, लंग्स में कितना है 104, लंग्स में कितना है 104। अब अगर लंग्स में, अगर लंग्स में 104 है तो आप बताइए, एक सेकेंड, ठीक है, लंग्स में कितना है 104, इसका मतलब यह है यहां पे पार्शियल प्रेशर हाई है ऑक्सीजन का, यहां पे लो है, यानी कि लंग्स में आराम से आ जाएगा ऑक्सीजन कहां से, एटमॉस्फेयर में। लंग्स के अगल बगल जो कैपिलरीज है उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रही है। बाबू डी ऑक्सी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगा कौन, ये लंग्स, एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां चला जाएगा डी ऑक्सी ब्लड में। अब ब्लड कैसा हो गया ऑक्सी ब्लड, बाबू यहां पे टिश्यू होगा बगल में, टिश्यू में हमको चाहिए ऑक्सीजन, टिश्यू में ऑक्सीजन कम है, पार्शियल प्रेशर कम है, तो फिर हाई से लो, देख रहे हो ना मूवमेंट कितना सेट है, सब कुछ अपने आप मूव कर रहा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यानी कह सकते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। यहां देखो ये है बाबू आपका सुंदर सा CO2, मतलब CO2 का PO2 PCO2, ओके। तो टिश्यू में कितना है 45, यानी कि टिश्यू में CO2 की मात्रा ज्यादा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, यानी कि ऑक्सी ब्लड को अब ये कर देगा गंदा, यानी कि 45 से 40 हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में CO2 मूव कर रहा है। अब देखो जब इसको क्या कर दिया गंदा, यानी कि इसको 45 कर दिया फिर से। अब डी ऑक्सी ब्लड कहां पहुंचा, लंग्स के पास, लंग्स के अंदर कितना है PCO2 40, अब यहां से CO2 मूव कर गया 40 में, यानी कि लंग्स में, लंग्स बाबू देखा लंग्स में इतना CO2 भर गया, अब बाबू बाहर एटमॉस्फेयर में 0.3 था, अब लंग्स से कहां चला जाएगा, ये सीधे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और द प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट फॉर CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई, याद रखना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पे, ठीक ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बाबू ध्यान से देखना, हमारे ब्लड में दो गैसेस होते हैं, एक ऑक्सीजन और एक CO2, यही सबको दिक्कत होती है, यहां पर समझ लेना एकदम मस्त से समझाया जाएगा। ऑक्सीजन और CO2 ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन जो है आपका RBC से जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कहने का मतलब क्या है, जैसे ही एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकला तो बाबू ब्लड में गया, ब्लड से वो सीधे टिश्यू में, क्या ऑक्सीजन एज इट इज जाएगा, नहीं वो तुरंत जाएगा आरबीसी के पास, आरबीसी एक ऑटो है उसके अंदर बाबू सीट्स हैं, सीट्स बाबू हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन जाएगा सीट में बैठेगा, यानी हीमोग्लोबिन से बॉन्डिंग बनाएगा, और हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा बाबू केमिकल बॉन्ड नहीं फिजिकल अटैचमेंट होता है बस, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एक कॉम्प्लेक्स होता है HBO2 से हम यहां पे डिनोट करते हैं HBO2। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन अब जाए, अब चलो अभी हम समझेंगे पूरा मैकेनिज्म, फिलहाल यहां समझो ऑक्सीहीमोग्लोबिन, यानी कि हम कह सकते हैं 97% ऑक्सीजन किस फॉर्म में जा रहा है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन किसके द्वारा जा रहा है, आरबीसी के द्वारा। 3% ऑक्सीजन कहेगा नहीं हम उसके साथ नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, हम प्लाज्मा में घूमते हुए जाएंगे, भीगते हुए नहाते हुए, ठीक है। CO2 की बात करें तो तीन तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, पहला सबसे मेजर फॉर्म जो है वो है एज अ बाइकार्बोनेट, यानी कि 70% CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, किसके द्वारा, आरबीसी के द्वारा। कैसे जाएगा अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे।
कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जैसे 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना करके जाता था ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, उसी तरह से बाबू 20 से 25% CO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा आरबीसी के द्वारा, देखेंगे हम मैकेनिज्म अभी, और 7% टहलते हुए जाएगा। और इससे ये पता चलता है कि CO2 इज 20 टू 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन O2 इन ब्लड, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं, किसका देखते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। देखिए बाबू, ऑक्सीजन कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन रिवर्सिबली, है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबली बाइंड कर सकता है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा है एल्युलाई में वहां पे हीमोग्लोबिन से अटैच होगा और बना देगा HbO2, और वहां पे टिश्यू के पास जब HbO2 जाएगा वहां पे ऑक्सीजन कमी है तो टूट जाएगा, टिश्यू में टूटेगा HbO में और O2 में, कैसे देखते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, यानी कि जब HbO और O2 मिलता है एल्युलाई में इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, नॉट अ केमिकल अटैचमेंट, केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, अगर केमिकल बॉन्ड बनता तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, अब देखें फैक्टर्स क्या क्या अफेक्टिंग है दिस बाइंडिंग, पहला PO2, दूसरा PCO2, तीसरा H+, चौथा टेम्परेचर, ये चार फैक्टर हैं जो HB का O2 से बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। और इसमें बाबू सबसे प्राइमरी जो है, प्राइमरी कौन है, PO2 पे टिक करना, सबसे प्राइमरी फैक्टर विच अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज PO2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, आप मुझे पता है आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे इस समय उस ग्राफ का, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, पहले नॉर्मल देख लीजिए। एल्युलाई के पास क्या होगा, आपने पता है एल्युलाई में ऑक्सीजन भरा हुआ है तो PO2 क्या है बाबू, ज्यादा, PCO2 क्या हो जाएगा, कम, और बाबू आपने फ्रेश एयर लिया है ऐसे याद रखो, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। वैसे अगर कॉन्सेप्ट देखें तो बाबू दो चीज हम कंपेयर कर रहे हैं, एल्युलाई और टिश्यू, टिश्यू में रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी निकलेगी तो हीट के रूप में लॉस भी होगा, और हीट के रूप में लॉस होगा तो वहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, ऊपर से CO2 भी वही है तो टेम्परेचर और बढ़ाएगा। तो बाबू अगर हम बात करें टिश्यू लेवल पे टेम्परेचर ज्यादा होता है उसके कंपैरिजन में एल्युलाई में क्या होता है, कम होता है। H+ क्यों ज्यादा होता है, कम होता है, इसके बारे में बात करेंगे अभी, फिलहाल जब CO2 पढ़ेंगे तब। यहां देखो PO2 ज्यादा कहां पे, एल्युलाई में, बाकी सब कम, याद रखेंगे इसको, रट लेंगे रटने वाले कि एल्युलाई में PO2 ज्यादा बाकी सब कम, तो जब कम के चक्कर में यहां पे याद रखना H+ कम, और जब H+ कम होगा तो बाबू समझ लो pH ज्यादा यानी कि एसिडिक कम, H+ कम तो एसिडिक कम यानी pH ज्यादा, याद रखेंगे, और यहाँ पे H+ ज्यादा है तो pH कम, ठीक है। तो बाबू जब PO2 ज्यादा है तो यहाँ पे ऑल कंडीशन इज फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन तुरंत जाके अटैच करवाएगा ऑक्सीजन से और वहां बना देगा HbO2। अब ये HbO2 चला ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ पे टिश्यू के पास गया तो देखा PO2 काफी लो है, मामला एकदम गंभीर है, PCO2 ज्यादा, H+ ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा, H+ क्यों ज्यादा है अभी बात करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा यानी कि PO2 कम बाकी सब ज्यादा, याद रखेंगे टिश्यू के लिए। ऑल कंडीशन इज फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ HbO2। अब होगा क्या, HbO2 गया, HbO2 जब गया टिश्यू के पास, टिश्यू कहेगा अरे हमको HbO नहीं चाहिए ना O2, HbO2 नहीं चाहिए हमको, सिर्फ O2 चाहिए, और ये देख कर ये टूट जाएगा, ये चूर चूर हो जाएगा बाबू, HbO अलग, O2 अलग, और O2 घुस जाएगा टिश्यू में। और याद रखना 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर जाता है तो डिलीवर करता है 5 ml O2 को, कितना डिलीवर करता है, कैरी नहीं करता, कैरी तो 20 ml करता है, तो हमको 20 ml से मतलब नहीं है, NCERT में नहीं लिया है, तो याद रखेंगे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ना चाहते हैं, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं, ये जो ग्राफ है ध्यान से देखिएगा बाबू, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ध्यान से देखें सब लोग, क्या है जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं हमसे ये बात, ध्यान से देखिएगा, ये वाई एक्सिस है, इस पे है HbO2 का सैचुरेशन परसेंटेज, ठीक है, मान लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100% सैचुरेशन, मान लेते हैं 100% सैचुरेशन, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे 100, मान लो ये PO2 है, वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं, PO2 mm ऑफ HG में है सब कुछ। चलिए समझाते हैं हम आपको ये क्या होता है, ध्यान से देखना, एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, इसको बोलते हैं 100% सैचुरेशन। एक हीमोग्लोबिन 3 ऑक्सीजन को अगर कैरी करता है तो बोलेंगे 75%
अगर एक हीमोग्लोबिन सिर्फ दो को कैरी करता है तो बोलेंगे 50% सैचुरेशन। कहने का मतलब एक आदमी अगर चार रोटी खाता है तो यानी कि वो सैचुरेट हो चुका है, यानी कि कांस्टेंट हो चुका है, यानी कि 100% सैचुरेशन आ गया है। तो अगर एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है इसका मतलब 100% सैचुरेट हो चुका है। देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ाएंगे, ध्यान से देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ाएंगे सैचुरेशन परसेंटेज बढ़ेगा, यानी कि जब अगर हम PO2 बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ PO2 ऑक्सीजन भी बढ़ा रहे हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो HBC अटैचमेंट होने की क्षमता भी बढ़ेगी। जैसे मान लो एक हीमोग्लोबिन है उसके पास दो ऑक्सीजन है तो दो ही को ले जाएगा, चार है तो चार ही को ले जाएगा, तो PO2 ज्यादा है यानी कि ऑक्सीजन भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हम बढ़ाते हैं तो बाबू सैचुरेशन परसेंटेज भी बढ़ेगा। ठीक है, देखो आपने एक ऑक्सीजन दिया बढ़ गया, दो ऑक्सीजन दिया बढ़ गया, तीन ऑक्सीजन दिया बढ़ गया, चार दिया तो एकदम बढ़ गया, लेकिन अब 5, 2, 6, 2 इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि एज वी इंक्रीज PO2 सैचुरेशन परसेंटेज आल्सो इंक्रीजेस बट अप टू अ लिमिट। ये लिमिट क्यों आया, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम चार ऑक्सीजन कैरी कर सकता है और इसकी वजह से जो शेप मिलेगा आपको जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड बोलते हैं या तो एस शेप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एस शेप्ड। यहां पे एक आता है वर्ड P50 वैल्यू। कहने का मतलब वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, बोलो बोलो क्या, वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जिस पार्शियल प्रेशर पे सैचुरेशन परसेंटेज कितना हो जाए 50, उसको बोलते हैं P50 वैल्यू। क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू, याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इस ग्राफ से। दूसरी बात, इस ग्राफ में दे दिया यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो कह दिया 1 क्या है, तो 1 बाबू याद रखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है और ये किसके लिए है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। सब याद रखना एकदम, ऐसे लिख लेना अपने कॉपी बर्फ में, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पे PO2 ज्यादा है, सैचुरेशन परसेंटेज भी ज्यादा है, अगर PO2 ज्यादा पक्का ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और नीचे PO2 लो है यानी कि पक्का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, लास्ट में जो बाबू शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं देख लेते हैं। शिफ्टिंग, ध्यान से देखो शिफ्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग, ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, जिसको तेज लग रहा है 0.5 में देख ले। देखिएगा लेफ्ट शिफ्टिंग, ये नॉर्मल कर्व है, ये है नॉर्मल कर्व। अगर ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, मान लेते हैं ऐसे 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 यहां शिफ्ट होता है, पीछे की तरफ शिफ्ट होना यानी कि PO2 कम कर देना। अगर PO2 कम कर देना इसका मतलब क्या है समझना, मान लो कि दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं, दोनों में अच्छे खासा खासा प्यार चल रहा है, दोनों एकदम एफिनिटी तगड़ा है, दोनों शादी करना चाहते हैं। अगर दोनों शादी करना चाहते हैं यानी कि हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से शादी करना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है, दोनों अगर बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है, यानी कि पार्शियल कम पार्शियल प्रेशर पे ही कम ऑक्सीजन में ही काम चल जाएगा। तो PO2 का प्रेशर कम अगर रहे तो भी काम चल जाएगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम है तो कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। फिर से देखना लेफ्ट मतलब क्या, पीछे की तरफ PO2 कम, आगे की तरफ PO2 ज्यादा। तो अगर PO2 की जरूरत कब ज्यादा पड़ेगी, जब दोनों तैयार नहीं होते बॉन्ड बनाने के लिए, तो हम धक्का मुक्की करते हैं प्रेशर बढ़ा देते हैं, लेकिन बाबू तैयार हैं। तो बाबू लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, जब एफिनिटी, फिर से लिख लो जो लिख रहा है कि व्हेन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज मोर देन कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, यानी कि दोनों ही एफिनिटी ज्यादा है, तगड़ा अट्रैक्शन है, दोनों आराम से बॉन्ड बनाने को तैयार है, तो कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रेशर की, तो PO2 कम हो जाएगा तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अगर दोनों तैयार नहीं, हम धक्का दे रहे हैं कि बेटा शादी कर लो, हे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से शादी कर लो, एंगेजमेंट कर लो, दोनों को धकेला जा रहा है, इसकी फैमिली वाले धकेल रहे हैं, उस केस में PO2 ज्यादा चाहिए तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, बस खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक है ना, अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे बाबू कि CO2 का, ध्यान से देखिएगा CO2 ट्रांसपोर्ट, बस एक फिगर में छोटा सा, सबके पास नोट्स है, PDF है, ठीक है, जिसके पास नहीं है तुरंत मैसेज करेगा हमको, हम भेज देंगे। यहाँ देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में देखिएगा, सिंपल सा है, पता नहीं क्यों सबको कठिन लगता है, यहाँ पे देखिए कितना सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, ये है बाबू टिश्यू, सुंदर सा रेक्टेंगुलर टिश्यू दिख रहा है आपको, टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, खूब ज्यादा CO2 पैदा हो रहे हैं। देखिए जब CO2 निकला ना, ये है RBC, ये क्या है बड़ा सा जो सेल आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये है RBC। तो जब CO2 निकला, बाबू 70% CO2 जाएगा पानी के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ करेगा, पानी के साथ, और यहाँ पे कैटलिस्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कौन सा कैटलिस्ट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाबू, ये जो कैटलिस्ट एंजाइम है, जो ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये रिएक्शन को कई मिलियन गुना फास्ट कर देती है, याद रखना, और बाबू ये बना देगी कार्बोनिक एसिड, क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। फिर से सुनिएगा, 70% आपने सुना होगा ना, 70% CO2 ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट, तो क्यों कैसे, ध्यान से देख लीजिए, जैसे ही 70% CO2 निकला, उसको H2O पसंद आ गया, दोनों रिएक्ट किए, किसकी प्रेजेंस में,
CA यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज और बना दिया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को फिर कौन मिला, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और वो तोड़ के रख दिया इसको इस बार, और तोड़ के रख दिया H+ अलग कर दिया, SCO3- अलग कर दिया, यानी कि H+ आयन अलग और SCO3 आयन अलग। बाबू यही है बाबू, देखिए ध्यान से, अलर्ट कर लीजिए अपने आप को कि ये जो H+ यहां पे बना है इसी की वजह से टिश्यू में, ध्यान समझना, टिश्यू में H+ की मात्रा ज्यादा होती है और एल्वियोलाई में इसके कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि टिश्यू में ये डिसोसिएशन हो रहा है। याद रखेंगे, मैंने कहा था बाद में पढ़ाएंगे, यही बात है, सुन लीजिए। अब HCO3 इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये लीक कर जाती है प्लाज्मा में, और जब प्लाज्मा में लीक कर जाएगी बाबू तो इसके ऊपर नेट चार्ज प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस था, एक नेगेटिव, नेगेटिव बाहर चला गया, प्लाज्मा में चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, यानी कि अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, ये यहां से Cl- अंदर ले लेगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर इफेक्ट। ठीक है, फिर से देखिए, 70% CO2 कहां गया, सेल में, इसमें कहां आया, टिश्यू में आया, ठीक है, सॉरी RBC में आया, किससे रिएक्ट किया, H2O, क्या बनाया, H2CO3, और फिर कौन मिला, CA यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फिर किसको तोड़ दिया, H+ में और SCO3 में। अब क्या होगा, देखो H+ और SCO3 एज इट इज यहां पे जाएंगे, कहां पे जाएंगे, एल्विलाई के पास, और एल्विलाई के पास जाएंगे क्या कर, कैसे देखो ध्यान से, जैसे ही वहां जाएंगे फिर CA मिलेगा और फिर H2CO3 बना देगा, और ये H2CO3 फिर CA की प्रेजेंस में टूट जाएगा, यानी कि एल्विलाई के पास ये रिएक्शन उल्टा चलेगी, H2O अलग, CO2 अलग, और ये CO2 फिर से कहां चला जाएगा, एल्विलाई में। ध्यान से देखना, ये रिएक्शन सीधा चलेगा कहां पे, टिश्यू लेवल पे, और उल्टा चलेगा कहां पे, उल्टा कहां चलेगा बाबू, उल्टा चलेगा एल्विलाई में, कहां उल्टा चलेगा, एल्वियोलाई में। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना लिखने वालों। चलिए अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन, यानी कि अब 20-25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से जाके चिपकेगा और बना देगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और जब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन गया टिश्यू लेवल पे, ये जाएगा एल्विलाई के पास, एल्विलाई के पास उल्टा ये रिएक्शन चलेगा, यहाँ पे कार्बोनिक, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज निकलेगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पे अब ये उल्टा चलेगा, और उल्टा यानी कि देखो ध्यान से, जैसे कि 70% निकला H2O से रिएक्ट किया, ये तो हो रहा है कहाँ, RBC में हो रहा है 70% के साथ, 20-25% को पानी पसंद नहीं है, वो सीधे हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएंगे और बना देंगे कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जाएगा किसके पास, एल्विलाई के पास, कहेगा कि अरे मेरे अंदर से CO2 ले लो, मजा नहीं आ रहा मुझे, तो ये बाबू ब्रेकडाउन होगा, डिसोसिएशन होगा, CO2 अलग, HB अलग, और बाबू CO2 कहां चला जाएगा, एल्विलाई में, और वहां से बाहर चला जाएगा, 7% बाबू प्लाज्मा में तैरेंगे, ये सबको पता है, बस यही है, खत्म, नेक्स्ट। ये बाबू देखिए, समझ नहीं आता आपको, पता नहीं क्या, देखो मैंने खूब सुंदर से डायग्राम बनाया, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, यानी कि अगर आप सांस ले रहे हो नॉर्मली 12-16 बार, ये तो नॉर्मल है, अगर कोई कुत्ता उत्ता दौड़ा लेता है आपको, तो उस केस में आप बाबू 20 बार सांस लेते हो, 25 बार सांस लेते हो सकता है सांस लेते लेते मर भी जाओ, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, उस केस में आपको देखो, आपने देखा कि आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि आपकी सांस लेने की जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ गई, यानी कि ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन में दो सेंटर होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, तो एक सेंटर का नाम है बाबू क्या, एक का नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्या नाम है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बाबू ध्यान समझो, ये मेडुला पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा, मेडुला में, और दूसरे का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कहां पाया जाएगा, पॉन्स में, देखो ध्यान से कितने सेंटर हैं, कितने सेंटर हैं, दो सेंटर, एक है बाबू आरआरसी यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है मेडुला में, और दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है पॉन्स में। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, तीन चीजें होंगी, एक है बाबू कीमोसेंसिटिव एरिया, कौन एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया, यानी कि ध्यान समझो, ये बाबू जो आपके सेंटर्स है ना, इनके बगल बगल में कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया पाए जाते हैं, ऐसे मसल के टुकड़े जो H+ कंसंट्रेशन और CO2 के लिए सेंसिटिव है, किसके लिए सेंसिटिव है, ध्यान सुनना, H+ के लिए और CO2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। जैसे ही H+ का और CO2 का मात्रा आपके बॉडी में बढ़ेगा या घटेगा, तुरंत गधवा सिग्नल भेज देगा किसको, देखो सेंड सिग्नल किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। बाबू ध्यान समझना, जैसे ही H+ और CO2 की मात्रा बढ़ी या घटी, ये कीमोसेंसिटिव एरिया किसको सिग्नल भेजेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ध्यान से देखो यहां बाबू, दूसरा आयोटिक आर्क, बाबू जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ब्लड आपने देखा आर्टरी के द्वारा, तो आर्टरी से पहले वो एक बाबू फूला हुआ स्ट्रक्चर आयोटा से जाता है और वो आर्क बनाता है, उसको हम बोलते हैं आयोटिक आर्क। तो बाबू एक रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर प्रेजेंट होता है आयोटिक आर्क में भी, जैसे ही H+ और CO2 की मात्रा घटी या बढ़ी, तुरंत ये सिग्नल भेज देंगे किसको, RRC को। इसके अलावा कैरोटिड आर्टरी, यानी कि ऐसी आर्टरी जो आपके ब्रेन में ब्लड को ले जाती हैं,
इसमें भी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ही H+ और CO2 बढ़ा तुरंत ये सिग्नल भेज देंगे किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। यानी कि कहने का मतलब, जैसे ही आपके बॉडी में H+ की संख्या और CO2 की संख्या बढ़ गई या घट गई, तीन लोग यानी पहला कीमोसेंसिटिव एरिया, दूसरा कैरोटिड आर्टरी, तीसरा आयोटिक आर्क, ये तीनों मिलकर सिग्नल भेजेंगे किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और कहेंगे भैया देख लो अपना। यानी कि कहने का मतलब CO2 अगर ज्यादा हो गया है तो आपको उसको जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकता है हमारे लिए बाद में जब ज्यादा हो जाएगा तो। इसीलिए हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, यानी कि CO2 अगर बढ़ गया तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। और ये कौन बढ़ा रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, किसके कहने पे, तीन लोग के कहने पे, कीमोसेंसिटिव एरिया और आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटर कौन है, न्यूमोटैक्सिस सेंटर। ध्यान से देखना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मान लो बहुत ऐसा केस आ गया, कंडीशनल है कि अगर आप बाबू कहीं धुआं बहुत ज्यादा है, आपके पूरे बॉडी में धुआं भर गया, उस केस में RRC अकेले काम नहीं कर पा रहा है, तो बाबू इस समय आएगा कौन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो भी पॉन्स में है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर तुरंत मॉडरेट करेगा फंक्शन को, किसके फंक्शन को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कहेगा देखो तुमसे हो नहीं पा रहा है, हमको करने दो। और उस केस में यानी कि वो तो करेगा, ये भी करने लगेगा, ये रेट ऑफ ब्रीदिंग और बढ़ा देगा, और इंस्पिरेशन खूब गहरी सांस लोगे तो गहरे छोड़ोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ा, और जब बाबू रेट ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ गया तो यहां पे स्ट्रेंथ मतलब इसको रेट कर दो, रेट ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ा देगा, और जब रेट ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ाएगा तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा रेस्पिरेशन का, इंस्पिरेशन का क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कंडीशन बुरी हो जाती है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसका कार्यभार संभाल लेता है, लेकिन ये स्लो ब्रीदिंग रेट को स्लो नहीं करवाता और फास्ट करवा देता है। ठीक है, और क्या बाबू याद रखना कि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, देयर इज लास्ट टाइम लिखा है ना, देयर इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन के लिए कोई भी सेंसिटिविटी नहीं शो करता, यानी कि ऑक्सीजन कभी भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन में आंसर नहीं मारा जाएगा। गॉट इट, आई थिंक यू गॉट इट। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर विद इन, आई डोंट नो, हमको लगता है 1 घंटा से भी कम लगा होगा। और भी है क्या कुछ, नहीं है नहीं है नहीं है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को, तो बाबू देख रहे हो ना एकदम मस्त सब हुआ होगा। कमेंट जरूर कर देना, प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है ना, जैसा मन करे वैसा कमेंट करना, लेकिन कमेंट जरूर करना। और टेस्ट जो नहीं देगा उसको तो हम उल्टा लटका के मारेंगे, ये तो फिक्स हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।